जय मसीह में प्रिय भाई बहनों, मैं कपूर रॉयल प्रीस्ट। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले स्पिरिचुअल बॉडी के बारे में कुछ भी। जय मसीह में प्रिय भाई बहनों, मैं कपूर रॉयल प्रीस्ट। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले स्पिरिचुअल बॉडी के बारे में, यानी आत्मा प्राण शरीर के बारे में। बेसिकली वीडियो में तीन चीज देखेंगे। पहला देखेंगे कि बाइबल में कहाँ पे बोलता है कि स्पिरिचुअल बॉडी यानी आत्मा प्राण शरीर तीनों अलग अलग है, वो हम देखने वाले हैं। और दूसरा हम देखेंगे कि कुछ लोग का मानना है कि आत्मा और प्राण यानी स्पिरिचुअल दोनों एक ही, ऐसा बहुत लोग का मानना है, लेकिन बाइबल का ऐसा नहीं है। तो मेरे को वचन से प्रूव करूँगा कि दोनों अलग है। और तीसरा हमारे मेन टॉपिक में देखेंगे आत्मा क्या होता है, प्राण क्या होता है और शरीर क्या होता है। बाइबल से हम देखेंगे, वीडियो का लास्ट तक देखते रहिए। और एक बात, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या तो हम आते हैं हमारे पहला पॉइंट में। बाइबल में कहाँ पे बोलता है कि स्पिरिचुअल बॉडी ना आत्मा शरीर प्राण तीनों अलग है, वो हम देखने वाले। तो इसके लिए हम जाएंगे फर्स्ट थिस्सलोनियंस। हाँ, हम जाएंगे पहला थिस्सलोनियंस किया 5:23 में जाएंगे। वचन पढ़ता है कि शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रखे रहे। तो इस वचन में हमें समझते हैं कि आत्मा प्राण और शरीर तीनों अलग अलग चीजें का हमें समझता है। तो मैंने आपको प्रूव कर दिया कि बाइबल से आत्मा प्राण शरीर तीनों अलग अलग होता है। अभी आता है हमारे सेकंड पॉइंट में, जहाँ पे मैं आपको प्रूव करूंगा कि स्पिरिट सोल दोनों अलग है। क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि आत्मा प्राण यानी स्पिरिट सोल जो है दोनों एक ही है, सब मानना है, लेकिन आपको वचन से प्रूव करूंगा कि स्पिरिट एंड सोल यानी आत्मा और प्राण जो है दोनों अलग है, करके मैं प्रूव करने वाला हूँ। तो आप देखते रहिए। तो हम जाएंगे ये वचन में इब्रानियों 4:12 को हम देखेंगे। अच्छा, उधर क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौका है और प्राण और आत्मा को और घाट घाट और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं के और विचारों को दाँचता है। मतलब यहाँ के मतलब ना यहाँ पे क्या बोला, प्राण और आत्मा को और घाट घाट और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है। मतलब यहाँ पे क्या वो बोलता है कि आत्मा और प्राण दोनों अलग है। मतलब बोलते ना हम अगर वो बोलते कि परमेश्वर के वचन से हम देख सकते हैं कि आत्मा और प्राण दोनों अलग है। मतलब बाइबल कुछ बोलता है कि अगर हम डीपली बाइबल पढ़ेंगे हमको समझता है कि मतलब बाइबल ही एक चीज है जिससे हम समझ सकते हैं, जिससे हम प्रूव कर सकते हैं, जिससे हम वी कैन डिफ्रेंशिएट दैट स्पिरिट सोल आत्मा प्राण जो है दोनों अलग है। यही नहीं, अभी और सुनिए, और एक क्वेश्चन भी है, ये नहीं और क्वेश्चन बताऊंगा जिसमें भी प्रूव दैट कि आत्मा प्राण अलग है करके। वो क्वेश्चन है पहला कुरिन्थियों 14:14-15। One hour later वचन पढ़ के कहता हूँ। वो वचन बोलता है कि इसीलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूँ तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। समझ रहे हो? मतलब जब बोला प्रार्थना को मेरी आत्मा प्रार्थना करती है लेकिन मेरी बुद्धि काम नहीं देती। इसका मतलब वो क्या बोल रहा है, लाइक उसका आत्मा और बुद्धि मतलब प्राण जो अलग है। मैं को पॉइंट बताना भूल गया। मैंने आपको कुछ कुछ वर्ड दूँ था, ठीक है? आत्मा, ठीक है, आत्मा है। आत्मा के लिए बाइबल में बहुत सारे अलग अलग तरीकों का शब्द यूज किया गया है। वो जो है इनवर्ड अंदरूक मनुष्य, अंदर का मनुष्य, हृदय, ठीक है। मैं फिर पूछे बोलता हूँ, आत्मा के लिए बहुत सारे वचन यूज करते हैं हिंदी में, अंदरूक मनुष्य, अंदर का मनुष्य और हृदय, ये सब जो है आत्मा को दर्शाता है। और एक ये जो है प्राण के लिए भी बहुत सारे कुछ कुछ वर्ड यूज, फॉर एग्जांपल बुद्धि देखा, सोच देखा, और बुद्धि सोच सोच विचार, ये सब जो है आत्मा जो प्राण है उसका इसका उसका सेम मीनिंग है। मतलब हृदय के लिए बोलते हैं कि अंदरूक मनुष्य, अंदर का मनुष्य और हृदय, ये सब जो आत्मा का सेम वर्ड है।
और हमारे प्राण के लिए यही सिंबल है, सोच विचार बुद्धि सोच ये सब जो है प्राण के लिए सेम वर्ड है। और ये देह के लिए पता है, देह के लिए तो बाहर का मनुष्य फ्लैश नहीं बोलते, हमारा देह शरीर ये सब जो है शरीर का नहीं बात है। तो बिस्तर बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो वर्ड यूज किया है बुद्धि, वही ये हमारा प्राण जो बुद्धि, मतलब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि तुम्हारा आत्मा और प्राण दोनों अलग है, नहीं स्पिरिट, मतलब बोल रहे कि बेसिकली अभी हमें समझते हैं कि स्पिरिट एंड सोल दोनों अलग है, आत्मा और प्राण दोनों अलग है। सो यार मैंने प्रूव कर लिया दो वचन से कि आत्मा और प्राण दोनों अलग अलग करके हमें प्रूव कर लिया है। तो अभी हम देखने वाले स्पिरिट क्या होता है, सोल क्या होता है, बॉडी क्या होता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो पहला हम देखेंगे आत्मा क्या होता है, ठीक है। तो इसके लिए हम पहला हम जाएंगे कि जेनेसिस एक उत्पत्ति का एक 26 को क्या बोलते हैं हिंदी में। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए और वे समुद्र मतलब क्या बोलता है, परमेश्वर ने बेसिकली हमें उसके रूप में बनाया, ठीक है। फिर से वो माइंड में रखो, ठीक है। हम जो किसके रूप में, हम परमेश्वर के रूप में, ठीक है। अभी फिर से बोल रहा हूँ, माइंड में रख लीजिए, हम परमेश्वर के रूप में। अभी इसको माइंड में रखते ही अभी हम जाएंगे युवन्ना, हम देंगे युवन्ना 4:24। उसमें बोलता है कि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उनके आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई में सच्चाई से आराधना करें, ठीक है। मतलब यहाँ पे बोला परमेश्वर आत्मा है, मतलब परमेश्वर का रूप क्या है, एक आत्मिक रूप है, समझा, समझ रहे हो। मतलब फिर से बोल रहा हूँ, परमेश्वर का रूप एक आत्मिक रूप है। वचन बोलता है कि हम परमेश्वर के रूप में बनाए गए, इसका मतलब परमेश्वर आत्मा है और हम भी आत्मा ही है, समझ रहे हो। मतलब फिर से बोल रहा हूँ, परमेश्वर आत्मा है और हमें परमेश्वर के रूप में बनाया गया था, इसलिए तो परमेश्वर आत्मा में है, आत्मा है तो हमारा रूप में आत्मा ही होना चाहिए। मतलब हम एक आत्मा है, मतलब हम ये शरीर नहीं है, हम ये सोच नहीं है, लेकिन हम बल्कि कौन है, हम जो अंदर है शरीर के अंदर जो हम है वही असली हम है, वो हम जो आत्मा है, समझो। हम में स्पिरिट, हम ये शरीर नहीं है, हमें सोच नहीं है, लेकिन हम कौन है, आत्मा है जो अंदर है अंदर, ठीक है। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। अभी हम देखेंगे प्राण, प्राण के बारे में, ठीक है। इसलिए हम वही पे जाएंगे, पहला कोरिन्थ 14 का पहला पढ़े थे ना, वही पे पूछे जाएंगे अपन। वैसे पढ़ता हूँ, इसीलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूँ तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। अब क्या करना चाहिए, मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूँ और बुद्धि से भी प्रार्थना करूँगा, मैं आत्मा से गाऊँगा और बुद्धि से भी गाऊँगा। इसका मतलब वो क्या बोलता है कि आत्मा एक अलग चीज़ है, प्राण अलग चीज़ है, बुद्धि में बोल रहा है वर्ड उसका बुद्धि, इसको बोल रहा है, मतलब हम आत्मा है, आत्मा से भी प्रार्थना करेंगे, हम बुद्धि से प्रार्थना करेंगे, बुद्धि भी हम परमेश्वर के अधीन करेंगे। मतलब बेसिकली वही बोलता है कि वो आत्मा अपना अलग है, हम आत्मा में आत्मा वो और ही बोलते हैं कि और ही वो दिखाता हूँ, यदि 14 है, वो बोलता है कि इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूँ तो आत्मा प्रार्थना करती है, समझा, समझ रहे हो ना। बोलता है कि यदि मैं प्रार्थना करूँ तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, इसका मतलब वो आत्मा है, मतलब हम आत्मा है। फिर बोलता है कि अब बुद्धि अनफ्रूटफुल है, बुद्धि काम नहीं देती, इसका मतलब हम प्रार्थना करते हैं, हम आत्मा है तो हम जो आत्मा प्रार्थना करते हैं आत्मा होता है, बुद्धि काम की नहीं, मतलब उस टाइम में। तो इसलिए बोलते हैं, इसका मतलब बोलते हैं कि हम और बुद्धि अलग है, मतलब हम बुद्धि नहीं, हमारे पास एक बुद्धि है, समझे, हम आत्मा है, हम शरीर में रहते हैं, हमारे पास एक बुद्धि है। तो यहाँ पे हम प्रूव करते हुआ कि आत्मा प्राण अलग है, हमें सोच विचार है, इसको बोलते प्राण या फिर बुद्धि। मैं बोलता हूँ कि ये जो बोलो ना प्राण, बेसिकली कुछ बोल रहा है, हम बोलते हैं इसको बोलते हैं किसमें क्या क्या आता है वो मेरे को बोल रहे हैं, ठीक है। जो बोल रहा हूँ ना मन बुद्धि प्राण, इसमें क्या क्या आता है, आता है इमोशंस, हमारे भावनाएं हमारे फीलिंग्स, वो सब जो है प्राण में आता है। सेकंड रीजनिंग, कारण करना, अभी कुछ है तो ये क्यों है, ऐसा क्यों है, मतलब
हम बैठ के रीजनिंग करते हैं, ऐसे क्यों हम सोचते हैं, रीजनिंग और थॉट लाइफ, आई मीन थॉट लाइफ यानी हमारे सोच की दुनिया, हमारे माइंड में दुनिया रहता है, पता ना हम कुछ तो सोचते रहते वो हमें बोलते थॉट की, थॉट यानी सोच की दुनिया। फॉर द इंटेलेक्ट यानी समझना, समझदारी कुछ है तो हम उसको समझ के लेते, वो भी हम कहाँ से होते हैं, माइंड से समझ के लेते ना उन चीज़ों को। तो इसको ये भी आता है सो मन में बुद्धि पे उस पर आता है, ठीक है। और लास्ट है मेमोरी, हमारी मेमोरी पावर। तो बोला पांच चीज़ें बोला मैंने कि हमारी भावनाएं, हमारी कारण रीजनिंग, हमें कारण करना क्यों है, ऐसा क्यों है नहीं ऐसा सोचना, और थर्ड आता है थॉट लाइफ हमारे सोच के दुनिया, फोर्थ है समझदारी इंटेलेक्ट समझदारी, पाँच है मेमोरी पावर। ये सब जो है हमारे बुद्धि में, मन में, प्राण में, ये सब कंसेप्ट, दिस ऑल ये सब चीजें है आत्मा प्राण के अंदर आता है, आत्मा ये प्राण के अंदर आता है। तो ये वचन बोलता है कि वचन बोलता है कि संसार के परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, मतलब मन के नहीं, जब बाइबल पढ़ते हैं हमारा जो मन है, हमारा माइंड है, रोज बाय रोज नए होते जाता है। मतलब बोलते ना यहाँ पर ऐसे कि तुम्हारा आत्मा नया होगा, लेकिन बोले अब तुम्हारा मन नया होएगा, समझा। जब तुमने उद्धार पाया, इसमें तुमने अंदर ले लिया तुम्हारा जो आत्मा है, तुम्हारा आत्मा, तुम आत्मा में नए बन गए, तुम आत्मा में नया जन्म ले लिया, मतलब तुम जो तुमने इसमें अंदर तुम्हारा आत्मा जो पूरा का पूरा नया बन गया, लेकिन तुम्हारा सोच नया नहीं बना, तुम्हारा शरीर नहीं बना। जब हमने तुम व्हेन यू बॉर्न अगेन, तुम जब नया जन्म पाए, तुम्हारा जो आत्मा नया जन्म हो, तुम्हारा सोच हुई है, तुम्हारा सही हुई है, लेकिन हमारी सोच को हमें काबू में लाना है, वो बाइबल पढ़ पढ़ के हमारे सोच को काबू में लाना है। सो या इतना ही था प्राण के बारे में, सोच के बारे में। अभी आते हैं देह के बारे में, हमको ऑब्वियसली पता है, ज़्यादा बोलूँगा इसके बारे में, इसलिए फिर हम बाइबल दिखा दूंगा। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 2:7, वो बोलते हैं कि तब यहोवा परमेश्वर के आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसकी सुन्नत तो बोला। तो वहाँ पे बस परमेश्वर ने आदम को, मनुष्य को रचा, मतलब इसके पहले उसने उसने मनुष्य को बनाया, मतलब तब उसने मनुष्य को क्रिएट किया, मनुष्य को बनाया, वो आत्मा हो, समझा। परमेश्वर के जैसा बना, मतलब तब उसने परमेश्वर के जैसा बना आत्मा में थे, पर मनुष्य आत्मा में था, अभी उसको रचा, अभी उसको एक बोलते हैं एक बॉडी दे रहे, तभी बोलता है कि बोलते हैं ना हमें भाई बोलता है कि हम मिट्टी के बने हुए, इवन इफ वी गो टू साइंस भी बोलता है कि मिट्टी में और हमारे शरीर में बहुत सारे कुछ 28 बेस एंड ट्रेस एलिमेंट्स सिमिलर, जो बेसिक जो जिससे बनते हैं मिट्टी एलिमेंट्स जो है वो, और हमारे शरीर में बहुत बेसिकली वो 28 एलिमेंट्स हमारा वो सेम है, साइंस भी बोलता है। सो या हमें पता ही है, तो बोलते ना बोला कि पहला हम आत्मा में थे, फिर हमें एक देह दिया गया, रचाया गया। सो ये वीडियो का पूरा कंक्लूजन क्या है, हम आत्मा है, हमारे पास एक प्राण है, या फिर वो सोच है, हम शरीर में रहते हैं। जब तुम नया जन्म पाए, तुम्हारा आत्मा नया हुआ, तुम्हारा सोच शरीर नया नहीं बना, लेकिन तुम बाइबल पढ़ने के द्वारा तुम्हारे प्राण तो सोच को नया बनाते रहना और तुम्हारे शरीर को तुम्हारे काबू में लाते रहना है। रोज तुम आत्मा हो, तुम्हें एक सोच फिर प्राण दिया गया है और तुम शरीर में रहते हो। इतना था वीडियो में, आई होप आपको वीडियो पूरे एक्नॉलेज वीडियो बनेगा, आई होप आपको आई बिलीव आपको वीडियो शुरू बनेगा। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। तो थैंक यू, अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।